तो हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी की। जी हाँ, बात करेंगे टीसीएस की। दोस्तों, टीसीएस दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। कल इस कंपनी ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन रिजल्ट्स के बाद इस स्टॉक में आज गिरावट है। आज 1.12% की गिरावट के साथ ये जो स्टॉक है 4179 की प्राइस पे जो है ट्रेड कर रहा है। तो आइए इनके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं नंबर कैसे रहे हैं, एज पर एक्सपेक्टेशन है जहाँ जो थोड़े ढीले रहे हैं, तो देखते हैं डिटेल में। लेकिन नए आए हो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सारे जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली जो नंबर्स आए हैं, दे हैव मिस्ड द एस्टीमेट। सबसे बड़ी जो नोट करने वाली बात है, कंपनी के Q2 के प्रॉफिट का डाटा जो है एस्टीमेट को मिस कर गया है। क्योंकि दोस्तों, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, चाहे वो TCS है, HDFC बैंक है, रिलायंस है, तो मार्केट उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठती है। तो यदि नंबर जो है जो एक्सपेक्टेशन से थोड़े नीचे आते हैं, तो फिर उस स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन यदि किसी कंपनी के नंबर्स एक्सपेक्टेशंस को मीट कर जाते हैं, तो फिर उस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। तो आइए नंबर्स को थोड़ा और डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं, नंबर्स कैसे रहे हैं थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे क्लियरली पता चल ही गया है आपको कि इसके जो प्रॉफिट का डाटा है वो थोड़ा मिस कर गया है। तो आगे अब इस स्टॉक में आपको क्या करना है वो अब हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो लीडिंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 11,909 करोड़ आया है, और लास्ट ईयर सेम पीरियड में इट वॉज नियरली 11,342 करोड़। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली 5% की ग्रोथ तो जरूर देखने को मिली है ऑन ए वाई ऑन वाई बेसिस। प्रॉफिट तो बढ़ तो जरूर गया है जीरो ऑन जीरो बेसिस पे, लेकिन दोस्तों जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस थी दे वर हायर। तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस देखें तो एवरेज जो स्ट्रीट की एस्टीमेट्स थे प्रॉफिट के, दैट वाज नियरली 12,450 करोड़। तो यहाँ पे डाटा थोड़ा मिस कर गया है। रेवेन्यू देखें तो वो भी 8% के हिसाब से बढ़ गया है वाई ऑन वाई बेसिस पे, 64,259 करोड़ आया है। तो देख सकते हो नंबर्स जो है ओवरऑल पॉजिटिव एंड पे आए हैं, लेकिन जो एस्टीमेट्स हैं उनको थोड़ा मिस कर गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में कोई प्रॉब्लम हो गई, कंपनी में बुरी बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी भी टारगेट थोड़ा लोअर जरूर हो गया है, अभी भी इसका जो टारगेट है 5100 से लेके और 5200 तक रह सकता है, ऐसा मानना है डिफरेंट ब्रोकरेज का। तो अभी भी ये जो स्टॉक है 5000 के लेवल तक जा सकता है। डिफरेंट ब्रोकरेज ने अभी भी इस पे न्यूट्रल से लेके और मिक्स टारगेट दिए हुए हैं। तो अभी भी आप थोड़ा लॉन्ग पोजिशन के लिए इस स्टॉक में निवेश करें, ओवरऑल नंबर पॉजिटिव एंड पे है।